नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार महिलाएं शुक्रवार के दिन मां संतोषी की पूजा के लिए व्रत रखती हैं। संतोषी माता देवी का ऐसा स्वरूप है जो अपने सच्चे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता भगवान श्री गणेश जी की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। संतोष ना हो तो मनुष्य मानसिक और शारीरिक तौर पर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में संतोषी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब देखकर लड़का माँ से कभी कुछ नहीं कह पाता था। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया, जो उस समय गोबर से आंगन को लीप रही थी। पत्नी के पास जाकर लड़का बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दे। पत्नी बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई और उसके बाद लड़का परदेश के लिए रवाना हो गया। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ते गए। एक दिन बहु दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना, सिर्फ एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर जब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी, माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया, कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र आया और पैसे भी भेजे हैं उन्होंने। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। अन्य सभी स्त्रियां उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वो भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहु ने संतोषी माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में आकर कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। अगले दिन उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की अनुमति मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। मां की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीदकर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने इस बात से खुश होकर साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी मां व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहु तथा बेटा मां की कृपा से आनंद से रहने लगे। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की पूजा विधि।
शुक्रवार के दिन मां संतोषी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठें। इसके बाद घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुनें। तत्पश्चात आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की उद्यापन विधि। 16 शुक्रवार का नियमित उपवास करें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूड़ी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। अंत में स्वयं भी भोजन करें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाएं, ना ही किसी को कुछ खट्टा दें। तो दोस्तों, ये थी शुक्रवार की व्रत कथा, व्रत करने की विधि तथा उद्यापन की विधि। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप हमसे कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।